हाँ जी, लेफ्ट आप पॉइंट नंबर लेवल टू। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने यहाँ जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट करेगा, फैक्टर थ्योरम से रिलेट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर वन है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो हमें यहाँ एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उफरे का m की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉलीनोमियल px इज इक्वल टू दिस। क्या पॉलीनोमियल ये, इफ डिवाइड बाय x माइनस p। और रिमाइंडर यार, आप देखो हमने डब्बी किया है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका हम जीरो निकाल देते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करके, और जो इसकी वैल्यू आती है वो कहां पुट कर देते हैं, पॉलीनोमियल में। यही करते हैं ना भाई, जिससे रिमाइंडर आता है। आई बात समझ में, जिससे डिवाइड कराते हैं उसे इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है इसमें पुट कर देते हैं, रिमाइंडर आ जाता है। तो हमने कहा भाई यहाँ एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करा रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू थ्री यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ हमने थ्री पुट की। तो एम एज इट इज, एक्स की जगह थ्री का क्यूब, नाइन एज इट इज, थ्री का स्क्वेयर, फोर एज इट इज, थ्री और माइनस टेन। कोई डाउट? अब थ्री का क्यूब 27 इंटू एम, थ्री का स्क्वेयर 9 9 जा 81, फोर थ्री जा 12 माइनस 10, और ये रिमाइंडर कितना गिवन है यहाँ पर, माइनस 22। रिमाइंडर इज माइनस 22, वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस 22 एज इट इज, 27 एम एज इट इज, 81, अब देखो 12 माइनस 10 इज 2, 81 प्लस 2 इज 83, प्लस 83 को इधर ले आओ, माइनस 83 इज इक्वल टू 27 एम। तो माइनस 22 माइनस 83 इज माइनस 105, 27 अपॉन में आ जाएगा, तो कट किया 39 का 3, ये 35 आ गया, अगेन ये 3 से जा रहा है, तो 3 3 जा, सॉरी गड़बड़ हो गई, 35 बाय 3 रहेगा, 3 से कट का ऑन। विद आउट आई बात समझ में? यस सर। पक्का देख लो कोई दिक्कत? नो सर। हाँ ऑब्वियसली, म्यूट योरसेल्फ। सर अब क्वाड्रिलेटरल्स खत्म और पॉलीनोमियल चालू। बिल्कुल सही सही पहचाना। इधर देखो क्या कह रहे इस क्वेश्चन में वो, इफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल के अंदर आप देखो, आपके सामने दो पॉलीनोमियल नजर आ रहे हैं, एक एम एक्स क्यूब, दूसरा 2x³ वाला है ना। तो हमें यहां पे क्या कह रहा है दोनों पॉलीनोमियल के अंदर, ये ध्यान से देखो, इफ एम एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 13 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस m व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2 लीव्स द, बताऊं क्या होगा, बोलना नहीं है अभी। दोनों को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आता है, दोनों को सेम पे डिवाइड कर रहे हैं। अब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप बोलोगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। दोनों में 2 पुट कर, पहले आप ये पॉलीनोमियल ले लो, इसको बोल दो px है, इसको बोल दो fx या gx है, जो बोलना चाहो। रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं या फिर उससे y कैसे बोल दो, ठीक है बेटा एक मिनट रुकिए। तो यहां पर हम x की जगह 2 पुट करते हैं, तो m as it is, x की जगह 2 पुट किया क्यूब आ गया, 3 as it is, x square, x की जगह 2 पुट किया स्क्वायर किया माइनस 13, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब 8 m हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 13, 12 माइनस 13 माइनस 1, तो 8 एम माइनस 1, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। अब सेकंड में भी आपको 2 पुट करना है, जी एक्स 2, क्योंकि x माइनस 2 से डिवाइड करा रहे दोनों,
अलग से करा रहे तो अलग करते, अगला क्वेश्चन वन ले लेंगे रिमाइंडर को, अब कुछ नहीं लेंगे वन लेंगे, कैसे ले लेंगे वन रिमाइंडर को, यही तो रहेगा टाइम माइनस वन। इधर देखो टू एक्स क्वेश्चन वन नहीं लोगे, अच्छा वन इसको वन क्या देगा, वो क्या तो हाँ जी ना हो वेन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, यानी सेम थ्री डिवाइड कर रहे हो इसको भी, तो आप यहाँ टू पुट कराओगे तो टू एक्स क्यूब, टू की जगह टू एज इट इज, और एक्स क्यूब की जगह टू क्यूब हो गया, माइनस फाइव एज इट इज, एक्स की जगह टू आ गया, प्लस एम एज इट इज, तो टू का क्यूब इज एट, एट टू जा सिक्सटीन, फाइव इंटू टू टेन, प्लस एम, सिक्सटीन माइनस टेन इज सिक्स प्लस एम। सर अब फ्रॉम वन एंड टू हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इसलिए वन टू कमेंटी दोनों सेम रिमाइंडर ही तो है, क्यों बोला सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एम यू एल सर अब लाइक द यूनिट्स को एक साथ, अरे एक मिनट ऋषि, मैंने पूछा नहीं है सर आपसे, बार बार करो बेटा, बीच में मत बोलो जब कुछ कुछ तो बताना बेटा, जब छोटी क्लास में इक्वेशन करके आता था ऐसी, तब कहता था सर ये कैसे हो गया, एक्स की वैल्यू भी डिपेंड करती ना चीज, तो सेम यहां पर, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, जो हमारे पास ये रिमाइंडर सेम बोला उसने सेम, तभी मैंने इक्वल किया, अपने आप नहीं किया, वो कह रहा वही कर रहा हूं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया कि रिमाइंडर सेम है, अब आप बोलोगे प्लस एम इधर आया एल एच एस में तो माइनस एम हो गया बेटा, और माइनस वन इधर चला गया तो प्लस वन हो गया बेटा, एट एम माइनस एम सेवन एम, और सिक्स प्लस वन सेवन, ये डिवाइड में चला गया, सेवन अपॉन सेवन, एम की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, कोई डाउट, रिपीट करने की जरूरत, सो नो सर, सर एक बार आप रिपीट कर दो, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, देखो हमने क्या किया, मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल की x माइनस टू से डिवाइड करा रहा हूँ और सेकंड को भी x माइनस टू से, तो दोनों मैंने टू पुट कर दिया, तो दोनों का रिमाइंडर आ गया, इसका एट एम माइनस वन, इसका सिक्स प्लस एम, और दोनों इक्वल है सेम बोला यहाँ पे, तो दोनों को इक्वेट करा दिया m की वैल्यू, ओके सर, कोई डाउट है बीबी, है कोई डाउट, नो सर, नो, हाँ जी नेक्स्ट देखो, अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, अभी चार में दिखाया एम या कुछ, यहां से दो की निकालनी, यहां आपको m और n नजर आ रहा हो, मुश्किल तो कुछ नहीं है सर, देखो ध्यान से, पॉलीनोमियल क्या यहां पर x क्यूब प्लस mx क्यूब प्लस nx प्लस, यही पॉलीनोमियल है, और यहां ये कह रहा है कि दिस पॉलीनोमियल जब डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है 3, और ऐसे ही ये कह रहा है जब सेम पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हो x माइनस 2 से तो रिमाइंडर क्या आता है 0, तो दो केस आ गए, अगर x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इस पॉलीनोमियल का 3 पुट कर दोगे तो आप बोलोगे p 3, x क्यूब की जगह 3 का क्यूब, m एज इट इज x स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, n एज इट इज x की जगह 3, 6 एज इट इज, अब ये रिमाइंडर कितना गिवन है 3, तो इसकी वैल्यू 3 पुट कर दी यहां पे, एक मिनट बेटा, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 है, 3 into n 3n plus 6, 27 plus 6 is 33, तो 33 plus 9m plus 3n, ठीक है, अब 33 को इधर ले जाओ, 3 minus 33 is equal to 9m plus 3n, यानी कितना हो गया, minus 30, अब यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, यहां कट हो सकता है, ले लो, तो 3m plus n रह गया, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो minus 10 बचा, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 3m प्लस 10, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको मैंने ही छोड़ दिया, इसको नाम दे दिया मैंने, वन कैसे निकाल लोगे, n की वैल्यू थोड़ी आ जाएगी, अभी वो नहीं करना, अभी नहीं करना, सर मैं बताऊं, ठीक है चलो आगे देखते हैं भाई, पूछो
सर मैं बताऊं, लिख सकते हो ठीक है, मतलब वहां जीरो निकालने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, बता सकते हो। अब देखो x माइनस टू है तो आप बोलोगे इसको इक्वल टू जीरो पुट कर, डिवाइड इससे करा रहे हो सर, x की वैल्यू टू, अब यहाँ की वैल्यू टू पुट करने बोला नहीं है, मैंने पूछा नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं कुछ बच्चों को, तो x इज टू आ जाएगा, टू क्यूब एम एज इट इज, x इज टू का स्क्वायर एंड एज इट इज इंटू टू प्लस सिक्स, ये आ गया। अब टू का क्यूब इज एट, अब रिमाइंडर यहाँ जीरो गिवन है तो जीरो पुट कर दो, टू का स्क्वायर इज फोर तो ये फोर एम हो गया, टू इंटू एन ये टू एन हो गया प्लस सिक्स, तो एट प्लस सिक्स फोर्टीन हो गया, फोर एम प्लस टू एन ठीक है जी, 14 को इधर ले आओ माइनस 14 और यहाँ दोनों से 2 कॉमन ले लो, लेना लो ना कोई मैंडेटरी नहीं है ठीक है, आपकी इच्छा है, कट हुआ माइनस 7 रह गया, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 10। अब देखो दोनों में ये है, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक से किसी भी वैल्यू वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। yes, तो यहां मैं एन की निकाल लेता हूं या यहां से एन की निकाल लेता हूं, अगर आपने यहां स्पेस छोड़ा तो आप यहां से निकाल के यहां डाल सकते हो, यहां स्पेस नहीं छोड़ा तो इससे निकाल के पुट कर सकते हो। लेट्स से मैं इससे निकाल के पुट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्लस 2m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2m, मैं दोनों से करके दिखा देता हूं, पहले मैं इससे निकाल के पुट कर दूंगा, इससे सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं फिर दिखाऊंगा इससे निकाल के पुट करूंगा तो भी अंदर सेम आएगा। तो एन तो ये यहां पर आ गया भाई, इसको आप पुट करो इन वन, बोलो पुट टू इन वन, ये सेकंड वन में पुट करो, माइनस 10 एज इट इज रहा, 3m एज इट इज रहा, प्लस एन की जगह क्या आ गया माइनस 7 माइनस 2m आ गया एन की जगह, इस एन की जगह ये वैल्यू पुट हो गई है ठीक है, ये वाली। अब माइनस 10 3m माइनस 2m इज m और माइनस 7 इधर, अब माइनस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस 7 हो जाएगा ठीक है जी, तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 आ गई। अब ऐसे n की निकाल लो, इसमें पुट कर दो, n क्या है माइनस 7 माइनस 2m है, तो माइनस 7 माइनस 2 इंटू m की जगह माइनस 3 पुट कर दिया आपने, माइनस 7 इधर इज माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज प्लस 6 तो ये माइनस 1, तो लास्ट में लिखो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3 एंड n इज इक्वल टू माइनस 1 विदाउट। अब इसमें मैंने कहा मैं पुट कर सकते हो वो भी दिखाता हूं करके कैसे करते हैं, देखो अगर आपने यहां से वैल्यू निकाली n को इधर ले गया मैं माइनस या 3m को, तो माइनस 10 माइनस 3m इज इक्वल टू n और इसमें पुट कर दिया तो ही बात सेम रहने वाली है, माइनस 7 एज इट इज 2m एज इट इज और यहां n की वैल्यू पुट कर दी आपने ये माइनस 10 माइनस 3m, तो ये माइनस 7 एज इट इज प्लस 10 इधर माइनस 10 इधर आकर प्लस 10 हो गया और 2m माइनस 3m इज माइनस m, 10 माइनस 7 इज 3 माइनस इधर आ जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ गई सर 3 माइनस 3। अब n के लिए से पुट कर दो, माइनस 10 माइनस 3 इंटू m की वैल्यू माइनस 3 तो कितना हो गया माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 माइनस 9 देयरफॉर देखो फिर से आ गया m इज इक्वल टू माइनस 3 एंड n इज इक्वल टू माइनस 1 गो डाउट। तो आपके ऊपर आप किस्म से किसी कर सकते हो और वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यू निकालनी है हमें, इफ एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस, अगर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब क्या हो गया, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा
भाई एक नंबर दूसरे का फैक्टर कब बनता है, जब उसे कंप्लीट डिवाइड कर दे। मैं कहता हूँ टू जो है वो टेन का फैक्टर है, क्यों है, क्योंकि टू जो है टेन को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर जीरो बचते है ना। तो एक नंबर किसी का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर जीरो, यहाँ डायरेक्टली बताया रिमाइंडर क्या है, बस फैक्टर बोल दिया तो हमें खुद पता चल गया कि फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो होना ही है। तो दोनों फैक्टर है तो दोनों फिर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो पहले की तरह क्वेश्चन हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पर पहले एक्स प्लस वन है तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी और यहां पर आप माइनस वन पुट करोगे। माइनस वन का क्यूब थ्री एज इट इज x की जगह माइनस वन का स्क्वायर, टू एम एज इट इज x की जगह जहां जहां x है वहां माइनस वन आ गया, और n एज इट इज रिमाइंडर यहां जीरो है। माइनस वन का क्यूब, देखो माइनस की पावर ओड है तो रिजल्ट विल बी माइनस, और वन का क्यूब इज वन, वन का क्यूब इज वन, थ्री माइनस की पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और वन का स्क्वायर विल बी वन, माइनस इनटू माइनस प्लस टू एम प्लस एन, तो थ्री इंटू वन इज थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, सो टू प्लस टू एम प्लस एन, इन दोनों को इधर ले जाओ, ये माइनस टू एम इज इक्वल टू एन आ गया। अब दूसरा करो, दूसरे को क्या कह रहा है कि आप किससे डिवाइड कर, x प्लस टू फैक्टर है तो आप बोलोगे x प्लस टू का फैक्टर है तो x की वैल्यू माइनस टू आएगी, और जहां जब x है वहां माइनस टू पुट कर दो, x के क्यूब में क्या पुट कर दोगे माइनस टू का क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर में क्या पुट कर दोगे x स्क्वायर में माइनस टू का स्क्वायर, और माइनस टू एम एक्स टू एम दैट इज, और x में क्या पुट कर दोगे माइनस टू प्लस एन। अब यहाँ पॉलिनोमियल जो है उसका रिमाइंडर यहाँ पर क्या है जीरो, क्योंकि फैक्टर है तो पुट कर दी वैल्यू, माइनस क्यूब माइनस क्योंकि माइनस की पावर ओड माइनस रहेगा, टू का क्यूब एट हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, टू का स्क्वायर फोर, ठीक है, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, और टू टू जा फोर एम प्लस एन, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस एट क्या हो जाएगा फोर, फोर प्लस एम प्लस एन, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, फोर को इधर लेके आना, ले आओ ये 4m प्लस n होगा, अब यहां n की वैल्यू पुट कर दो, अगले स्टेप क्या n की वैल्यू माइनस टू माइनस फोर प्लस माइनस माइनस टू माइनस टू एम ब्रैकेट में तो फ्रॉम वन, अब माइनस टू उधर गया प्लस टू हो गया, 4m माइनस टू एम इज टू एम हो गया, माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू, टू अपॉन में, तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस, विद आउट नो सर पुट कर एन आ जाएगा, माइनस टू इंटू एम की जगह आ गया, एम की जगह माइनस वन इज इक्वल टू एन एज इट इज, माइनस टू इंटू वन माइनस वन प्लस टू, तो एन की वैल्यू क्या आ गई जीरो, कोई डाउट कंफ्यूजन, रिपीट करने की जरूरत नो सर, चलो आगे, यस सर। सो सर आज ना हमारा ब्लूप्रिंट आया था मैथ्स का, हमारा 17 को एग्जाम है तो उसका ब्लूप्रिंट आया था आज, ओके, सो उसमें मेन थ्री चैप्टर्स के मेन मार्क्स हैं, एक तो सर्कल्स एसएवी और सो चैप्टर 8 था क्वाड्रिलेटरल, सर ये तीन के 10-10 11-11 मार्क्स के हैं, बाकी सब 5-5 6-6 मार्क्स के हैं, अभी पूरा कोर्स आ रहा है, ये सर 6 चैप्टर्स आ रहे हैं भाई, यही तीन अगर 11 मार्क्स के हो गए तो बाकी तो बचे कितने के, पेपर कितने मार्क्स का आपका सर 40 सर, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनका टोटल सम मिलाकर 30 होते हैं तो बाकी सब 10 मार्क्स में करते हैं, तो पॉलीनोमियल्स का 4 मार्कर है, कंस्ट्रक्शंस का 3 मार्कर है, और सर प्रोबेबिलिटी का भी 3 मार्कर ही है, बाकी यही तीन मेन है बस, फैक्टर बना सकते हो कैसे, आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो और फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, अब यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, जहां पर ये क्या हो जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू, तो दो फैक्टर मिल गए आप x प्लस टू एक्स माइनस टू, दो फैक्टर मिल गए,
एक बार x प्लस टू इक्वल टू जीरो पुट करके माइनस टू पुट कर देना, रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि फैक्टर है। दूसरी बार टू पुट करके इक्वल टू जीरो पुट कर देना क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा, टू फैक्टर है। दोनों से ए और बी के फॉर्म में दो इक्वेशन बन जाएगी, जैसे एम और एन के फॉर्म में बन रही थी, उससे और बी की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, लास्ट के दोनों क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है जी। हाँ जी, द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7 व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2। जब उसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो ट्रिपल होता है। किसका ट्रिपल होता है? रिमाइंडर लेफ्ट बाय द पॉलिनोमियल एक दूसरे पॉलिनोमियल के रिमाइंडर के। और रिमाइंडर कैसे? जब दूसरा पॉलिनोमियल जो ये है इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसके रिमाइंडर को आर 1 बोलूं कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है आर 1 और इसको इससे डिवाइड करता हूं रिमाइंडर आता है आर 2, तो क्या हो रहा है कि आर 1 जो है आर 2 का 3 टाइम्स हो गया। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो आर 1 इज थ्राइस ऑफ आर 2। इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ये है, नो डाउट। तो करना आपको वैसे ही है, आप x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 पुट करोगे इसमें, तो जहां जहां x है वहां 2 पुट किया, m एज इट इज, x की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, 3 as it is, x cube यानी 2 का cube, और 7 as it is, और यहाँ पर ये remainder क्या given है? नहीं पता, R1 बोल दो, R1 लिख के हमने, तो 2 का 4, 2 की power 4 16, 2 का cube 8 plus 7, तो ये कितना हुआ भाई? 16 times 16m, 3 at the 24 plus 7, यानी 16m plus 31, कोई doubt? ये remainder first आ गया, no doubt। इस तरीके से यहाँ पर remainder 2 के लिए, इसको आप x minus 1 से divide कर रहे हो, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, 2 एज इट इज, x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, 17 एज इट इज, x की जगह 1 और m एज इट इज उसकी जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 * 2 2, 17 * 1 17 plus 1, 2 plus 17 19 plus 1 20, कोई डाउट? रिपीट करने की जरूरत? नो सर, नो डाउट सर। ठीक है जी, डाट खाने वाले हो सारे तगड़े वाले। एम की वैल्यू 1 कैसे डाल दोगे? एक्स की वैल्यू पुट कराते हैं, एम की वैल्यू पुट कराते हैं, ये एम तो यहां पर एम रहेगा ही ना, हाँ या ना? यस सर। ये 2 और 17, तो ये 19 प्लस एम हो जाएगा आर 2, कोई डाउट? नो सर। आप बोल रहे हो जो पहले वाला रिमाइंडर इसका डबल है, ट्रिपल है, तो R1 जो है वो थ्राइस ऑफ R2 है, थ्राइस ऑफ R2, R1 की वैल्यू 16m + 31 है, यस सर, और R2 की वैल्यू जो है वो सर 3 * 19 + m है, तो 16m इज 31 इज 3 * 19 57, 3 * m 3m, 3m + 3m इधर आकर माइनस 3m प्लस 31 इधर जाकर माइनस 31, तो 16m माइनस 3m 13m और ये 26 अपॉन में चला गया, 26 अपॉन 13 यानी वैल्यू आ गई 2, पुट आउट? नो सर। अब यही भी यहां निकालना था कि m की वैल्यू क्या है, समझ आ गया? सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, देखो उसने क्या कहा था, पॉलीनोमियल, ये जो पॉलीनोमियल है when divided by x plus 1, remainder आता है r1, खुद बता रहे remainder r1, and the polynomial, दूसरा polynomial को अगर divide करते हैं x minus 3, remainder आता है r2, relation given है r1 minus r2 is equal to 20, r1 की value आप इससे निकाल लोगे, r2 की value आप इससे निकाल लोगे, remainder निकालते हुए कैसे, x plus 1 से divide कराए, तो x plus 1 equal to 0, x value minus 1 करोगे, और यहाँ इसको divide कर रहे हो x minus 2 से, तो x value यहाँ 2 put कर दोगे, फिर
दोनों की जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है वो आर वन फर्स्ट की है, आर टू सेकंड की है। आर वन माइनस आर टू जो 20 पुट करोगे, दोनों रिमाइंडर को माइनस करते हो 20 रखोगे, इजिली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाउट? सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ के देख लो। ठीक है, यहां पर भी आपको आर वन आर टू के लिए निकाल के से पुट करनी है। जब हाँ जी, इधर देखो क्या कहा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ एक्स माइनस एन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इफ एक्स माइनस एन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर एक्स माइनस एन इसका फैक्टर है तो क्या, तो आप क्या बोलोगे? एक्स माइनस एन इसका फैक्टर है तो मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर यहां पर क्या होगा? तो x माइनस एन को आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू n आएगी, तो जहां जहां पर यहां पर x है वहां यहां n पुट हो जाएगा, तो x क्यूब की जगह ये वहां हो जाएगा n का क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, x की जगह n आ जाएगा प्लस 2। ठीक है जी, रिमाइंडर यहां पर क्या होगा? जीरो, n का क्यूब माइनस बाहर है माइनस n स्क्वायर इनटू n माइनस n क्यूब माइनस इनटू माइनस प्लस 1 into n, n plus 2, n cube minus n cube cancel out, plus 2 इधर आकर minus 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई? Minus 2। कोई डाउट? रिपीट करने की जरूरत? नो डाउट। देखो बेटा, मैम उसने कहा यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना। फैक्टर थ्योरम क्या होती है भाई? अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो हमने कहा वेरीफाई दैट एक्स प्लस एम इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब देखो, अगर एक्स प्लस एम इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए ना। आप पहले एक्स प्लस एम को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस है। तो आप इस पॉलीनोमियल में इस पर एक्स पी एक्स मान लो और यहां पर आप x की वैल्यू माइनस एम पुट कर दो तो माइनस एम की पावर n प्लस एम की पावर n। अब देखो n क्या है? एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ये n क्या है? ओड पॉजिटिव। मैंने आपको सिखाया है माइनस की पावर अगर इवन होती है तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, माइनस की पावर ओड होती है तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो माइनस की पावर ओड है तो रिजल्ट ये नेगेटिव रहेगा और m की पावर n, m की पावर n हो जाएगा। m की पावर n, m की पावर n होगा लेकिन माइनस की पावर ओड होने की वजह से वो नेगेटिव रहेगा और बाहर m की पावर n है तो प्लस माइनस जीरो, तो प्रूव हो गया इसका फैक्टर है मतलब जीरो। तो फिर वो तो ये प्लस हो जाता है, अगर ये इवन होता ना तो फिर ये होता ये और ये रिजल्ट आता 2mn। ठीक है, अरे ये करने का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे होगा। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें डिवाइड नहीं करना इसको,
बिना एक्चुअल डिवाइड किए मुझे बस प्रूफ करना है कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 3। भैया हम ये तो बता सकते हैं कि मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और इसका फैक्टर हो जाएगा लॉग डिविजन से, लेकिन जरा डिविजन नहीं करो। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, आप क्या करोगे इसके फैक्ट इसको मिडल टर्म फिट कर दोगे, फैक्टर बना लोगे। कैसे? आप बोलोगे माइनस 3 यहां कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 हो गया। अब ये माइनस 3 है नेगेटिव है तो 3 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको माइनस 3 2 आए, वो होगा आपका 3 माइनस 1। तो आप बोलोगे 3 माइनस 1 2 होता है और 3 माइनस 1 माइनस 3 भी होता है, 3 इंटू 1 3 भी होता है। अब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 3 इन फर्स्ट टर्म एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 3 बचा, दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स और यहाँ माइनस 1 बचा, एक्स माइनस 1 आ गया। कोई डाउट? क्लियर है? अब ये दो इसके क्या बन गए सर? एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स। तो आप समझ जाओगे। मैंने कहा कि नंबर है 100, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है पूरा और ये 5 से भी हो जाता है पूरा, तो क्या वो इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 से भी डिवाइड होगा? यस सर। ये 2 से भी डिवाइड होगा 5 से, तो इनके मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा। सेम चीज देखो, अगर ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर 10 के फैक्टर से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये x प्लस 3 से भी डिवाइड होगा और ये x माइनस 1 से भी डिवाइड होगा तो इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, जैसे मैंने यहां कहा ये 2 से भी डिवाइड होता है 5 से भी। यस सर। तो सेम चीज मैं कहूंगा x प्लस 3 से भी डिवाइड हो रहा है, x प्लस माइनस 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इनके मल्टीपल से भी होगा। वो कैसे प्रूफ करोगे? आप एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू माइनस 3 पुट कर दो और रिमाइंडर 0 आ रहा होगा इसमें। दूसरी बार आप कहोगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 1 पुट कर दो, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। तो दोनों से रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। आप कहोगे भाई ये दोनों से रिमाइंडर 0, दोनों इसके फैक्टर हैं तो इसका मल्टीपल ये भी इसका फैक्टर, तो विदाउट एक्चुअल रीजन ये कर लेंगे। कोई डाउट कंफ्यूजन? No doubt, sir. No doubt, sir. डिवीजन तो हो गई इसमें भी एक तरह से। कहां से हो गई? सर जब x is equal to 3 को लेकर करेंगे हम फैक्टर। तो रिमाइंडर चलो वहां डिवीजन थोड़ी ना करते हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन भूल गया बेटा। यस सर। यस सर, भूल गया, याद आ गई। हैं मेरे बच्चे? सर याद आ गई। याद आ गई, चलो फिर बढ़िया, याद आ गई तो। चलो जी, एडिट वाले से पहले मैं आपको कराता हूँ ये पहले ही वाला। ये देखो, कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 80 सो दैट द रिस्पेक्टिवली इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि उसे डिवाइड हो जाए? वो सिंपल है, इसको इसे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वही सब्ट्रैक्ट करना है, वही फालतू है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहोगे भाई, मैं 28 है उससे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं जिससे इसका फैक्टर बन जाए? आप बोलोगे 1 माइनस कर दो, 1 एक्स्ट्रा। तो यहां ये रिमाइंडर बचा ना, तो आप क्या बोलोगे ये माइनस कर दो, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में यहां लिखा था व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आप क्या करते हैं? अगर यहां बोलता इसमें क्या एड करूं, तो भाई ऑब्वियसली एक तरीका आप ये भी कह सकते थे इसमें ना आप माइनस 1 ऐड कर दो। माइनस 1 ऐड करने का मतलब 1 को माइनस करना ही है, आप यहां कह सकते हो ना माइनस 1 ऐड कर दो। तो सेम चीज मैं यहां कह सकता हूं, इसमें आप क्या करो, इसमें आप नेगेटिव ऑफ 4x माइनस 4 ये प्लस कर दो, यानी माइनस 4x प्लस 4 तो ये आप प्लस करो, तो जो रिमाइंडर आएगा अगर ऐड करना है तो उसका नेगेटिव प्लस करा दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट माइनस, तो दोनों में लॉन्ग डिविजन। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना वो ऐसा ही है, इसमें आपको ऐड करना है तो जरूरी नहीं आप ये प्रोसीजर अपनाओ, आप डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा बोलना इसका नेगेटिव प्लस करें। कोई डाउट कंफ्यूजन? नहीं, सिर्फ डिवाइड करना। अब x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ इसके फैक्टर है और हमें शो करना है m is equal to n, तो फिर से कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है शो दैट। आपको कुछ नहीं करना, आपको वही करना है, पहले x माइनस 2 तो x की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दोगे, रिमाइंडर 0 पुट करोगे कि ये इसका फैक्टर है। सर फिर m से भी ले लेंगे और n से भी ले लेंगे, फॉर्म में बोलना नहीं है सर, फिर m और n की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। यस, फिर x माइनस हाफ है
इक्वल टू पुट करोगे यहाँ एक्स की वैल्यू हाफ पुट कर दोगे, फिर एम और एन की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, एक में से एन या एम की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दोगे जैसे पीछे हमने कई क्वेश्चन किए, तो उससे एम और एन की वैल्यू आ जाएंगे और देखोगे दोनों बराबर आ रही है, फिर बोलोगे एम एन के इक्वल। वही स्टेप करना जो पहले किए हैं, हम बस यहाँ नोटिस करेंगे कि एम इज इक्वल टू एन है और ये इसीलिए इक्वल आ रही है। कोई डाउट? रिपीट कर लीजिए जरूर। नो सर, नो डाउट। चलो जी, अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा फैक्टराइज करो इसको, ये हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमें ये फैक्टराइज करना है। अब यहां फैक्टराइज करने में कंफ्यूजन होगा कैसे, आपको क्यूब नजर आता है आपको, तो इसे आप 2p का क्यूब लिख सकते हो। यस सर। और कहीं कहीं और क्यूब बन रहा है 1/125, ये क्यूब बन रहा है, इसे आप 1/5 का क्यूब लिख सकते हो। यस सर। देखो बेटा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब तो आ गया, अब आपको होता है बेटा जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस b का होल क्यूब होता है। तो आप बोलोगे देखो ये जो है 2p, ये a की जगह आ गया और ये b की जगह आ गया 1/5, तो 3a स्क्वायर b, तो 3 into a की जगह आ जाएगा 2p स्क्वायर और b के प्लेस पे आ गया है 1/5। चेक कर लेना, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, 12 into 1 12, तो 12/5p स्क्वायर ये बन गया। सेम इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट टर्म आप देखो कि हाँ जी 3ab स्क्वायर, तो 3 into a क्या है 2p, और ये a भी लिखना नहीं होता, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहां पेपर में लिखाओ, एग्जाम में लिखाओ, b स्क्वायर, b यहां पे क्या है 1/5, 1/5 इसका स्क्वायर करो। अब देखो 1/5 का स्क्वायर 1/25 होगा, 1/25 into 6, 3 2 6, तो 6 into 1/25, 6/25 आ गया, p बन गया जी। तो ये as it is a plus b का होल क्यूब हो गया। इसमें प्लेस चेंज, यहां पर a क्या है ऋषि, मैं ना लिटरली अगली क्लास में ऑफलाइन आएगा ना फिर बात कर दूंगा इससे, ठीक है। अब यहां पर a क्या है 2p, आ जाइए मजाक कर रहा हूं, नहीं आए ना, ठीक है। तो a यहां पर क्या है 2p प्लस b यहां पर क्या है 1/5, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा ये होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। और फिर तो तीन बार लिखोगे आप, यहां पर छोड़ दिया टीचर मार्क्स कट कर सकते हैं, आई बात समझ में, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब ये करना नहीं होता, फैक्टर बनाना होता है, तो उसको फैक्टरी फॉर्म में से लिखना पड़ेगा आपको। कोई डाउट? समझ आया? नो सर। समझ नहीं आया सर? यस सर, सर आ गया। आ गया सर, नो सर क्यों बोला सर? सर वो पूछा था ना आपने कोई डाउट। अच्छा, तो उससे बोला था सर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ये ना वुल्फ आइडेंटिटी है जो आपके कोएफिशिएंट रीड होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। Let me complete first. और कुछ बच्चों के आ भी रही है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं अभी नहीं कराऊंगा, पहले मैं जो आइडेंटिटी सबके आ रही है वो कराऊंगा, उसके बाद जिनके आइडेंटिटी आ रही है क्योंकि पी क्यू सी क्यू माइनस थ्री एबीसी, फिर ये क्वेश्चन पे आई बात समझ में आ रही है। थैंक यू सर बताने के लिए, ठीक है। अब आपको यहां तक ही कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग पैटर्न के स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे काफी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आई बस समझ में क्लियर है। तो अब हम मिलते हैं परसों सेम टाइम 6 बजे, मान के चलना क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है नेक्स्ट वाली, क्लियर है चीफ? ओके सर, ओके सर, बाय। अटेंडेंस लेनी है, अभी जाना नहीं है, अटेंडेंस लेनी है बेटा, टेक मी इन द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।